हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीपीएस हटाकर गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे चोर को उल्टा लटका कर की बेल्ट से पिटाई। मुंबई से गाड़ी किराए पर लाए थे। जैसलमेर में सांगर थाने के हेड कांस्टेबल आसुराम ने एक युवक को उल्टा लटका कर बेल्ट से पीटा है। घटना के सामने आए वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने नजर आ रहा व्यक्ति सांगर थाने का हेड कांस्टेबल आसुराम है। जैसलमेर एसपी डॉक्टर अजय सिंह को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने एसएचओ सांगर को वीडियो भेजकर मामले की पुष्टि कराई। इसके बाद आसुराम को लाइन हाजिर कर दिया गया। उसके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई गई है। वीडियो में नजर आ रहे अन्य लोगों की भी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सांगर थाना एसएचओ सुमेर सिंह ने बताया कि वीडियो में नजर आ रहा युवक पाली थाने का एनडीपीएस मामले का अपराधी रावताराम है। हेड कांस्टेबल आसुराम को 1 जनवरी को सूचना मिली थी कि कुछ युवक मुंबई से एक गाड़ी किराए पर लेकर आए हैं और वे गाड़ी में लगा जीपीएस हटाकर उसको चुराकर भाग रहे हैं। सुमेर सिंह के अनुसार आसुराम ने उन्हें बताया कि नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे आरोपियों को लखमणा गांव के पास पकड़ा गया है। सभी को थाने लाया गया। उसके साथ उसके 2 साथी और भी थे। रावताराम को पाली पुलिस को सौंप दिया गया। वीडियो में अन्य लोगों की जानकारी मांगने पर उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। हेड कांस्टेबल ने रावताराम को बेल्ट से पीटने की बात नहीं बताई। बताया जा रहा है कि उस समय बाकी 2 आरोपी गाड़ी में बैठे थे। वहीं हेड कांस्टेबल ने उसे गाड़ी से उतार कर पीटा। जागरूक टीवी की जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।